हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रथम चरण पढ़े एक का शीर्षक है। अपने ये कहता है कि बच्चों को जेब खर्च दिया जाता है ये और उसका माध्यम अपने को 18 दे रखा है, तो उनके यहाँ पर बारंबारता मिसिंग है। ये बारंबारता अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पिछले सवाल में उसमें हमने इसे वीडियो में माध्य ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर हमें याद करना है कि ये बच्चों की संख्या मिसिंग है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, और इसको हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। फाइल लिख देते हैं इसको, ऐप हमें ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि के द्वारा आंकड़े बड़े हैं, हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है, और उसके द्वारा हमें ये मिसिंग बारंबारता है वो हमें ज्ञात करनी है। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है मध्यमान, जिसको हम कहते हैं एक्स आई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मध्यमान का मतलब 11 और 13 है, ये 11 और 13 इनको जोड़ के इससे आधा करना है। इसको जोड़ेंगे 10 10 20 23 24 बटा 2 यानी कि 12 आ गए। यहाँ पे आपको 12 और सब में अंतर आपका सबको निकालेंगे, उनकी सब में अंतर आपका 2 2 का है, इसमें 2 2 और जोड़ते गए 14 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 18 20 22 और 24 बड़ी संख्या बना देंगे। इसलिए बस ये पहला निकाल के जोड़ लीजिए, पहला तो इसलिए करना था गड़बड़ नहीं हो, कहीं गलत नहीं हो, इसलिए आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 2 जोड़िए, जितना अंतर है वर्ग अंतराल है वो आपको जोड़ना है, ठीक है। और वर्ग अंतराल जोड़ने के बाद आप लिखते जाइए, मैंने भी 12 2 14 16 18 20 22 24 हो गया। अब हमें यहाँ पर डी आई ज्ञात करना है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ए एक अपना होता है कल्पित माध्य, ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, एक्स बार यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। ए यहां कल्पित माध्य है, क्या है ये, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है हमें अपनी कल्पना से हमें मानना, किसी को भी मान सकते हैं, जैसे मैं 18 को मान लेता हूं कल्पित माध्य, ठीक है ना। अब हमें यहां पे क्या करना है, डी आई ज्ञात करना है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मतलब अपना जो होता है 12 माइनस 18 यानी कि माइनस के 6 हो जाएंगे, यहां हमें माइनस के 6 लिख रहे हैं, फिर 14 में से 18 घटाएंगे माइनस के 4 बचेंगे। अब यहाँ पे भी आसानी से देख सकते हैं कि जो कि 2 2 का अंतर है, इन सब में 2 2 का अंतर रह जाएगा, यहाँ माइनस 2 आएंगे या 0 आएगा, यहाँ 2 4 और 6 24 में से 18 बाकी निकालेंगे तो आपके पास कितने बच गए, 6 आएंगे, ये 6 मैंने यहाँ लिख दिए। बहुत ही आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें इसको सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो अपने पास ये देखिए 7 से 13 13 22 25 25 35 35 40 44 44 प्लस एफ, ये एफ मिसिंग है तो 44 प्लस एफ लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमने को लिख दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई डी आई, इस चीज को हमें ज्ञात कर लेना है। इसको ज्ञात करने के लिए एफ अपने पास ये 7 है और ये 6 डी आई, इन दोनों को गुणा करते हैं, 7 और 6 को गुणा किया 7 6 42 लेकिन माइनस के 42 हो गए, ठीक है दोस्त। और ये अब 6 और 4 गुणा किए 24 हो गया, 6 6 24 लेकिन ये माइनस और ये प्लस, विपरीत चिन्ह गुणा हो जाए तो माइनस ही आएगा, और फिर 9 और 2 माइनस के 18 हो गए, और 13 और 0 0 हो गया, एफ इंटू 2 2 एफ हो गया, 5 और 4 गुणा के 5 चौक 20 हो गया, और 4 और 6 गुणा के 6 चौके 24 हो गया, ठीक है, समझ आए आप सबको। अब ये गुणा करना आसानी से, इसको गुणा करें, एफ ये है
अब हम क्या करते हैं, इन इनको जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्या को जोड़ते हैं, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ते हैं, इसी प्रकार इनको भी जोड़ते हैं। तो ये अपने पास हो गया, हाँ हम इनको जोड़ते हैं, हमारे पास 8 4 12 2 14 असली का 1 4 1 5 2 7 1 8 ये 84 आ गए माइनस के आपके पास, ठीक है। उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं तो अपने पास ये आएगा 44 प्लस 2 F, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए ये 84 है माइनस के और ये प्लस के 44 है, अब इसमें से घटाएंगे अपने पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस की संख्या अपने पास बच गई, लेकिन यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई बराबर हम क्या लिखते हैं, माइनस के 40 प्लस 2 F, यहाँ 2 F भी है तो 2 F हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम सवाल के ऊपर चलते हैं, x बार बराबर a का मतलब आपका x बार जो दिया ना, ये x बार ये अपने को यहाँ पर 18 दे रखा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है, हम यहाँ 18 लिखेंगे बराबर a भी हमने 18 मान लिया, ठीक है, ये 18 माना हमने, और सिग्मा एफ आई डी है ये अपने पास प्लस के ये माइनस के 40 प्लस 2 F बटा सिग्मा एफ आई, ये अपने पास सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, 18 ये प्लस का इधर है तो इधर आगे माइनस का, और इधर अपने पास माइनस के 40 प्लस 2 F बटा 44 प्लस एफ, ठीक है। अब ये 18 में से 18 घटाएंगे तो अपने पास 0 हो जाएगा, बराबर माइनस के 40 प्लस 2 F अपॉन 44 प्लस एफ, ठीक है। अब अपने पास देखिए इसको वजह गुणा करेंगे, इसके नीचे इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास जाएगा माइनस के 40 प्लस 2 F बराबर, ये संख्या 0 से गुणा होने के बाद ये और ये गुणा हो गए, 0 से गुणा हो जाएगी अपने पास 0 ही बचेगा। उसके बाद अपने पास क्या कहेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो 2 F उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे बराबर माइनस के 40 हो गए, ठीक है। या हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि इसको इस प्रकार से लिखिए आप, जैसे 2 F तो इधर है ही है तो 40 को उधर 0 के उधर पक्षांतर करेंगे तो अपने पास 40 प्लस के हो जाएंगे, और F बराबर अपने पास क्या रहेगा, 40/2 यानी कि 20, ये जो मिसिंग आपकी बारंबारता है वो आपकी 20 आ गई, ठीक है दोस्त। अब आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में आसानी से इसको देख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना साथियों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।